चले दबाओ यहां से। खबरदार, जो मेरी बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि मेरा मकसद बहुत जल्द पूरा होगा। आपको पूरा डेप्थ नॉलेज लेना पड़ेगा। क्या हो जाता है कि थोड़े से सीन तो कर लोगे, आप एक शो कर लोगे, मगर प्रेशर में करना है या कुछ अच्छा करना है उसके लिए आपका रूट बहुत अच्छा होना जरूरी है, ये मेरा सजेशन है। विजुअल मीडियम को कहा जाता है डायरेक्टर मीडियम, क्योंकि डायरेक्टर के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। एक डायरेक्टर ही जानता है कि फाइनल प्रोजेक्ट कैसा तैयार होने वाला है, ये सब कैसे होता है, कैसे किया जाता है, बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ हैं प्रवीण परब, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सर। आप एक डायरेक्टर हैं, है ना, और डायरेक्टर का मीडियम कहा जाता है, कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, ये जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आते हैं? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है नाम के साथ। यहाँ पे आने तक बहुत सफर है, लोगों को सिर्फ दिखाई देता है कि डायरेक्टर, उसके पीछे का जो संघर्ष है वो दिखाई नहीं देता है। ज्यादा करके आजकल जो डिजिटल जब से आ गया, तब लोगों को क्या लगता है सिर्फ एक्शन कट बोल रहे हैं, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है, मगर उसके पीछे का जो संघर्ष है वो बहुत बड़ा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अलग अलग लेवल से क्रॉस होना पड़ता है। आप आते हो तो आपको स्टार्टिंग में छोटे छोटे चीजों से अपग्रेड होना पड़ता है, तो आप जो कंटिन्यूटी रहती है वो देखनी पड़ती है, फिर कॉस्ट्यूम का अलग, कहाँ से कॉस्ट्यूम कैसे ब्रेकडाउन देना है वो देखना पड़ता है। उसके बाद आगे आगे आपके तरफ जिम्मेदारियां बढ़ती है, जो प्रॉपर्टी लगती है वो देखना पड़ता है। उसके बाद आपको आर्टिस्ट का लुक, फिर उसकी कंटिन्यूटी, फिर मतलब कंटिन्यूटी में आर्टिस्ट कैसे बोले, क्योंकि हम जब करते हैं तब आपको तो वन सिक्वेंस में दिखाई देता है, राइट, मगर फिनिश मगर वो उसके पीछे बहुत टाइम लगता है। मतलब एक फिल्म कंप्लीट होने के लिए 80-90 दिन जाते हैं, जो आप 2 घंटे में बोल देते हो कि अच्छी है अच्छी नहीं है, जो आप टीवी पे देखते हो 20 मिनट में, उसके लिए 1 दिन, कभी कभी 2 दिन, कभी कभी 7-8 दिन से भी ज्यादा टाइम चला जाता है। तो वो एक कंटिन्यूएशन में नहीं होता जो आपको दिखाई देता है, वो लोकेशन वाइज या आर्टिस्ट प्रायोरिटी वाइज शूट होता है, तो वो इकट्ठा होकर आपके सामने आता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए पूरा आपको स्टडी करना पड़ता है, आगे पीछे क्या रहेगा, कैसे रहेगा, फिर उसका मूड कैसे रहेगा, उसका ग्राफ क्या है। ऐसा हो सकता है कि बहुत बार ऐसे होता है जाना ज्यादा टाइम कि हम लास्ट का सीन पहले शूट कर लेते हैं, मतलब जो क्लाइमेक्स है वो फर्स्ट शूट होता है, फिर बीच के सीन उसके बाद और स्टार्टिंग बाद में होता है। तो आर्टिस्ट को मूड समझाना, वो कैरी कराना, फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या दिखाई देगा। एक आर्टिस्ट अपना खुद का पीओवी लेके चलता है, डीओपी वो सीन लेके चलता है, डायरेक्टर को स्टार्ट से लेके एंड तक का प्रोजेक्ट दिखाना है, मतलब वो कैसे दिखाई देगा उसका एक विजन पकड़ के उसको चलना पड़ता है और फिर आपको प्रोडक्ट दिखता है, राइट। तो जो एक ऑडियंस को दिखता है वो डायरेक्टर को बहुत पहले दिख जाता है। हाँ, वो उसको पहले बहुत सोचना पड़ता है। हाँ, सोचना पड़ता है और वो दिख जाता है, वो कन्विक्शन आ जाता है कि यार ये चीज ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि उसको डिसीजन शूट से पहले लेना है। करेक्ट है, बाद में तो कोई चांस बाकी रह नहीं जाता। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस आता है एक डायरेक्टर के अंदर, वो किस वजह से आता है? आपको आपका बोलते ना कि एक बड़ा झाड़ मजबूत हो तो उसकी न्यूज जो है वो अच्छी होनी चाहिए। वैसे जब आप डायरेक्टर बनने के पहले का जो आपका असिस्टेंट लेवल पे जब आप रहते हो, तब आपको बहुत सारी चीजें का ज्ञान लेना पड़ता है, वो सीखनी पड़ती है। जब मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल दूं तो मैंने अलग अलग डायरेक्टरों के साथ काम किया, अलग अलग तरीके के शो किए, मैंने डेली शो किए, मैंने क्रोमा वेज शो किए, मैंने फाइटिंग वाले शो किए, मैंने क्राइम वाले शो किए। तो इससे क्या होगा कि हर, क्योंकि हर एक शो का अलग फ्लेवर रहता है, तो आपको क्राइम है तो आपको फास्ट स्टोरी बतानी पड़ती है, डेली शो पे तो उसका अलग से टेकिंग है, तो वो आपको अलग अलग, आप जब असिस्टेंट हो तब आप अलग अलग लेवल पे काम करते हो तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वो, और फिर वो आपको इनहेंस करते जाता है। फिर आपने आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से जैसे अपग्रेड होते रहता है वैसे खुद को आपको अपग्रेड होना है, फिर वो अपग्रेड होते होते फिर आप वो सोचते हो कि ये कैसा लगा दिखाई देगा प्रोजेक्ट, तो उस हिसाब से आप वर्किंग करते हो और फिर वो आपके सामने आता है। वो बहुत पहले, मतलब मेरी बीवी तो बोल देती है मस्करी में कभी कभी कि तुझे तो डेली पढ़ना पड़ता है। अभी भी तो डेली मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, तो सुबह आके उस कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि आगे पीछे का क्या है। किसी भी डायरेक्टर की शुरुआत होती है करियर में एज असिस्टेंट,
तो आपने तकरीबन कितने साल तक एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया? और एज ए असिस्टेंट, जैसे आपने बताया कि आपने प्रॉप कंटिन्यूटी देखा, कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी देखा, आप बाकी चीजों को देखा, कितने साल तक आपने असिस्टेंटशिप में अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया? मतलब एज ए फुल टाइम मैंने 2.5 से 3 साल तक किया। उसके पहले क्या था कि मैं कॉलेज करता था, तब कॉलेज करते करते मैं छोटे छोटे रोल एक्टिंग एज ए एक्टर करता था, तो मगर मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैं जो कॉलेज करता था तब भी मैं ड्रामा बिठा रहा था, तो मैं जब जाता था शूटिंग को वैसे 2-3 सीन रहते थे, तो बाकी के टाइम क्या करना है, तो बाकी टाइम मैं बैठ के वो देखता था कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैंने एज अ फुल टाइम जब चालू किया तब मुझे थोड़ी बहुत चीज़ों का थोड़ा सा ज्ञान था, इसलिए मुझे वो और थोड़ा जल्दी कवर हो गया। और जिस दिन पहली बार वो चांस क्रिएट हुआ बाय चांस कि आज मैं इंडिपेंडली करने जा रहा हूँ, सीन शूट करने जा रहा हूँ, कितना नर्वसनेस थी, कितना एक्साइटमेंट था, क्या था? बहुत सारा टेंशन था बहुत जिम्मेदारियाँ थी कि क्या रहता है, एसोसिएट रहते तब आपको बॉस बोलता है करो, तो बॉस पीछे बैठा रहता है, तो आप करते तो इतना टेंशन नहीं रहता क्योंकि जिम्मेदारी उनके पास जिम्मेदारी है और वो देख रहे हैं दूर से क्या होना है, तो आपको मगर एक होता है कि वो दूसरे जगह है और आपको दूसरे जगह का शूटिंग करनी है, और उसमें तो रात भर नींद नहीं आती है, फर्स्ट टाइम कितना टाइम लगेगा खत्म होने को, क्या होगा, कैसे दिखाई देगा, जब तक मैं एडिट जाके देख नहीं रहा था उस टाइम तक मुझे नींद नहीं आ रही थी। 2 दिन वो दिन का शूटिंग किया मैंने, पहले दिन कुछ तो मतलब पहले सेकंड यूनिट मिला होगा, बस सेकेंड यूनिट मिला, तो वो मिलने के बाद मैं जब गया, जब तक मैं एडिट 2 दिन तक नहीं देख रहा था तब तक मेरी क्या होगा कैसे होगा बहुत। लेकिन जब सेकंड यूनिट आप डायरेक्ट कर रहे थे, सेकंड यूनिट मतलब ये होता है कि एक ही सीरियल है या एक ही प्रोजेक्ट है, उसको जब एक ही साथ 2 शूट करने होते हैं तो एक यूनिट एक करती है, दूसरा यूनिट दूसरा करती है। लेकिन जब वो सेकंड यूनिट भी आप शूट कर रहे थे एज ए डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ऐसा क्या भरोसा आपने दिला दिया था अपने डायरेक्टर को, अपनी टीम को, उनको लगा यार ये कर लेगा? मैं जब करता था ना तब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा आधा सीन मिलने लगा कि बॉस पीछे बैठ के देखने लगे, फिर मैं करते गया, तो ऐसे हो गया कि और थोड़े एक 5-10 दिन के बाद वो देखना ही बंद कर दिया था उन्होंने। अच्छा, बड़े कर तो, हाँ वो है तो बाहर ही है, तो मैं करते रहा, तो वो देख के उनको कॉन्फिडेंस आया, आर्टिस्टों को कॉन्फिडेंस आया, तो आर्टिस्ट भी तारीफ करने लगे यार अच्छे से संभाल लेता है अच्छे भी, तो मैंने डीओपी के साथ थोड़ा कंसर्न करना चालू किया ये कैसे करते हैं, उसका थोड़ा सा इनपुट लेके, तो उसने भी बोला कि तू सही कर रहा है तू टेंशन मत ले, तो वो टीम ने भी मुझे, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे टीम ने भी सपोर्ट दिया, मैंने उनको संभाला उन्होंने मुझको संभाला और मैं करते गया, तो वो आहिस्ता 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 करते गया। अचानक क्या हो गया कि एक दिन बोलते मैं नसीबवान हूँ कि मेरे बॉस को अर्जेंट जाना पड़ा, उस दिन का मुझे पता था और कोई था नहीं, तो बोला कर लेगा, तो मैंने बोला हाँ कर लूंगा, तो मैंने किया अच्छे से, थोड़ा सा उनसे ब्रीफ किया कि ऐसा ऐसा आगे के सीन कर रहा हूँ, तो उनको बताया तो उनको अच्छा लगा, तो किया, तो उस दिन थोड़ा सा हो गया कि बाद में मुझे पता चला कि वो सीन बाद में सबने, प्रोड्यूसर ने देखे, चैनल ने देखे कि कैसा हुआ है, तो वो देख के मुझे बोला कि चलो आगे से तू कंटिन्यू करेगा, और वैसे यूनिट मिलती गई, फिर मैंने इंडिपेंडेंटली बहुत सारे शोज किए, तो आगे आहिस्ता आहिस्ता नाम हो गया और अभी। तो आप भी अगर और भी अच्छी अच्छी ज्ञान भरी बातें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जॉइन फिल्म्स की ऐप डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी मास्टर क्लास इनकी अवेलेबल है, उसको भी आप देखेंगे, उससे भी सीखेंगे। एज ए इंडिपेंडेंटली फिर कितने प्रोजेक्ट कर लिया आपने अभी तक? देखे नहीं मगर करीबन 18 से 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट हो गए। कौन से, थोड़े से कुछ नाम लेंगे? मैंने शुरुआत की थी विदाई, ये रिश्ता, अमृत मंथन, ये शो से शुरू की थी, फिर मराठी बहुत सारे क्राइम के शो कर चुका हूँ, डेली सोप कर चुका हूँ, फिर अलग अलग चैनल के कलर्स का हो गया, क्यू टीवी का हो गया, ऐसे बहुत सारे चैनल से उनके लिए फ्रीलांसर के लिए अभी भी कर रहा हूँ। और अब जब असिस्टेंट आपके लिए काम कर रहे हैं, तो 2 तरह के असिस्टेंट देखे होंगे आपने, एक जिसको बहुत जल्दी है और एक में आपको नजर आता है नहीं यार इसमें कुछ स्किल भी है, कुछ बात भी है, कुछ पेशेंस भी है, तो आप किस तरह का रिकमेंड करेंगे नए लोगों को जो स्पीड में जाना चाहते हैं? अभी सोशल मीडिया जितना एक्टिव हो गया या डिजिटली मीडिया जितना एक्टिव हो गया, लोगों को बहुत फास्ट दौड़ना है, लोगों को सिर्फ लगता है कि डिजिटली अभी क्या हो गया कि देख के समझ में आ रहा है, तो सामने स्क्रीन होती है, तो हमारे टाइम में नहीं होती थी, इतना देखने को नहीं मिलता था, सिर्फ 2-3 लोग थे उनको अलाउ था, अभी फ्रेंडली एटमोसफियर हो गया। हम पहले तो डायरेक्टर के बाजू में खाना भी नहीं खाते थे,
अभी 2 महीने हो गए तो लोग इजीली अवेलेबिलिटी हो गई है, इसलिए हो गया है। और आपको पेशेंस रहना पड़ेगा, आपको पूरा डेप्थ नॉलेज लेना पड़ेगा। क्या हो जाता है कि थोड़े से सीन तो कर लोगे, आप एक शो कर लोगे, मगर प्रेशर में करना है या कुछ अच्छा करना है उसके लिए आपका रूट बहुत अच्छा होना जरूरी है, ये मेरा सजेशन है। बाकी अपनी अपनी जर्नी है, आप कहाँ तक जाना है आपको खुद को तय करना है, और आपको फोकस होना चाहिए, आपको कभी भी उसके पीछे संघर्ष करते आना चाहिए। आपको उस सीन को, हम आज के टाइम के हिसाब से कुछ नया कर पाएंगे, हर सीन कुछ नया, हर शो एक नया एटमॉस्फेयर दे पाए, एक नया लुक दे पाए, उसके लिए आपको अच्छा देखना पड़ेगा, फिर आप उसमें अपग्रेड करना। क्योंकि आप एक बार डायरेक्टर बन गए तो ऐसे बहुत रिटर्न आने का बहुत कम चांस होता है, रिटर्न आ गया तो फिर से कम बैक करने का आपको बहुत टाइम जाएगा। तो आप, आपके पास जब वो जिम्मेदारी आए तो आपको बहुत अच्छे मतलब उसके ऊपर अच्छा पढ़ के, उसका अच्छा डिजाइन करके, जितना बेस्ट है उस टाइम में, बेसिकली उस टाइम में जितना बेस्ट प्रेजेंट कर सके उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एज ए डायरेक्टर एक तो ये रहता है कि भाई मुझे स्टोरी टेलिंग करनी है, वो मेरा एक काम है, स्किल है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे लोगों के साथ भी डील करना है, उसमें टेक्नीशियंस भी हैं, उसमें क्रिएटिव भी हैं, उसमें आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस वाले लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं, तो इनको जो मैनेज करना पड़ता है। कहते हैं ना कि अगर डायरेक्टर की एनर्जी डाउन है तो सब डाउन हो जाएंगे, करेक्ट, उसकी एनर्जी अब सब हो पाएंगे, तो अपनी एनर्जी मेंटेन रखना, साथ में बाकी ह्यूमन रिसोर्सेस को भी मेंटेन रखना, ये कैसे करते हो आप? डायरेक्टर ओनली मतलब सीन अच्छा करना ये नहीं होता, आपको पूरे क्रू को संभालना है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पॉट बॉय टू द प्रोड्यूसर टिल द चैनल, आपको सबको सेटिस्फाई करना है। मतलब उनकी एक चैनल प्रोड्यूसर को चाहिए आज के कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा काम मिले, चैनल को चाहिए एक अच्छी क्वालिटी मिले, आर्टिस्ट को चाहिए कि उसको वर्क सेटिस्फेक्शन मिले, टेक्नीशियन को चाहिए कि उनका स्पेस, मतलब एक डीओपी है उसको लाइट करने को टाइम मिले, सेटिंग वाला है या हर डिपार्टमेंट है उसको उसका सेटअप करने को टाइम मिले, मेकअप वाला है कुछ स्पेशल सेटअप आता है तो आपको, आजकल क्या है टीवी में तो शेड्यूलर आ गए हैं, तो भी आपको बैक ऑफ द माइंड एक खुद का शेड्यूल बनाना पड़ता है कि ये सीन कैसे मैं इस टाइम में करूं, इसको कितना टाइम देना है या इसको कितना, और सबके साथ रिलेशन मेंटेन रखना पड़ेगा। वो आप किसी को डांटो, किसी को प्यार से बात करो, किसी से हंसी मजाक करो, या किसी को, अलग अलग आदमी का अलग अलग बिहेवियर रहता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि सबके साथ टॉप टू बॉटम सुबह आके सबको एनर्जेट करूं, आर्टिस्ट को मोटिवेट करूं, टेक्नीशियन को सब मोटिवेट करूं, और अपना काम कैसे बेटर से बेटर करने की कोशिश करूं, जिससे मेरा प्रोड्यूसर खुश हो जाए, जिससे मेरा चैनल खुश हो जाए, उनको क्वालिटी अच्छी लगी, और जो मेरे दर्शक है फाइनली जिनके पास प्रोडक्ट जाएगा उनको लगे कि कुछ तो नया है, तो ही वो तो नाम से नहीं जानते ज्यादा करके जो दर्शक है, तो उनको लगे कि कुछ तो मैं अच्छा देख रहा हूँ, कुछ तो नया देख रहा हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट वही है आपको, तो आपको उनसे क्या नया निकलवा सकते हो और क्या छोटे से सेटअप में कितना अच्छा दे सकते हो, वो कितना बेटर लगे, ये आपको सबके साथ आपको प्यार से और प्री प्लानिंग करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ सुबह आके 4 सीन तो एटलीस्ट पता रहे सबको, उसके बाद 1 सीन होते होते मैं दिन भर का शेड्यूल पूरा आगे वाले डिपार्टमेंट को, जो डिपार्टमेंट के हेड है उनके साथ डिस्कस करके दे देता हूँ। फिल्म का अलग रहता है, फिल्म में प्रॉपर डिस्कशन को टाइम मिलता है, सेटअप को टाइम मिलता है, तो उसका थोड़ा सा मैं वर्किंग अलग से करता हूँ, तो प्रॉपर सबको शीट जाती है क्या क्या मुझे वहां पे चाहिए वो बताया दिया जाता है, और वो आया कि नहीं पहले मेरा एक एसोसिएट रहता है उसको चेक करने को, तो उसका भी फॉलोअप करता है, तो अल्टीमेटली वो आप सबके साथ रिलेशन मेंटेन करके अच्छे से प्यार से, कभी कभी थोड़ा सा डांट के, हर एक का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, उस सॉफ्ट कॉर्नर को टच करके आप कर देते हो तो अच्छा हो जाता है। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू। तो ये थे प्रवीण परत, एक डायरेक्टर, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आई। हमेशा की तरह कंक्लूड करता हूँ वीडियो के आखिर में, जो उन्होंने आखिर में कहा वहां से शुरुआत करता हूं कि आपको ना सेट पे एक पेरेंट की तरह बिहेव करना होता है, किसी से प्यार से बात करनी होती है, किसी को थोड़ी सी डांट लगानी पड़ती है, लेकिन ओवरऑल हमेशा हर पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा रहे, मतलब कि वो जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा रहे, वो बहुत अच्छे से पनपे, वो ऑडियंस तक उसी रूप में पहुंचे जैसा कि उन्होंने कन्विक्शन से सोचा था, उसको गढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही। दूसरी बात यह कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, अगर इस फील्ड में जाना है
अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए ताकि आपको हर किसी की नॉलेज हो जाए, क्योंकि सबका पेस अलग होता है, स्पीड अलग होती है। ये सब अगर आप सीखेंगे तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप।